नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजिंक्य, आप देख रहे हैं ट्रक टॉक्स। आज की वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर यानी कि अनु कुमार जी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर बन रही है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की पिकअप रेंज की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम टाटा मोटर्स के पिकअप रेंज के काफी यूनिक मॉडल्स जैसे कि टाटा मोटर्स की 207, टेल्को लाइन, ज़ेनॉन और योद्धा सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, टाटा मोटर्स के पिकअप रेंज की असली शुरुआत 1988 में हुई थी। जुलाई 1988 में टाटा मोबाइल 206 पिकअप का अनावरण किया गया था। ये गाड़ी टेल्को यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी द्वारा डिजाइन और इंजीनियर की गई थी और ये भारत की पहली लाइट कमर्शियल पिकअप थी जो टाटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च की गई थी। टाटा 407 के ग्रेट सक्सेस के बाद इसके नीचे वाले सेगमेंट में ऐसी गाड़ी की एक ज़रूरत थी, ताकि बहुत सारे लोग जिनके एप्लीकेशन छोटे होते थे उनको ये गाड़ी काफ़ी कारगर साबित हुई थी। दोस्तों, उस ज़माने में ये गाड़ी इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि 1988 से लेकर 1989 में इस गाड़ी के 61,691 यूनिट्स बेचे गए। साथ ही में 1989 से लेकर 1990 तक 64,941 यूनिट्स बेचे गए थे। ये था टाटा मोटर्स की टाटा मोबाइल 206 का चमत्कार। इस गाड़ी के साथ टाटा मोटर्स ने अपने लाइट कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में 25% का मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया था, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है उस जमाने के हिसाब से। दोस्तों, टाटा मोबाइल 206 एक मिड साइज पिकअप है जो कि एक बॉडी ऑन फ्रेम चैसिस पर बनाई गई थी, बिल्कुल ट्रक के जैसे कि पहले चैसिस बनाई जाती थी और उसके ऊपर कैबिन डारा प्लेस किया जाता था। ये गाड़ी टाटा मोटर्स के X2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी और इसमें 4 डोर के साथ साथ 2 डोर वेरियंट भी आते थे। आसान भाषा में सिंगल कैबिन पिकअप और डबल कैबिन पिकअप। साथ ही में 4 व्हील ड्राइव वर्जन भी आता था, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस नॉर्मल 206 से काफी ऊंचा हुआ करता था, जिसकी बदौलत ऐसे इलाके जहां पर मिट्टी, पत्थर और कीचड़ से भरे हुए रोड्स हुआ करते थे, वैसे इलाकों में ये गाड़ी सामान पहुंचाने का काम बड़ी आसानी से कर सकती थी। दोस्तों, इस गाड़ी को टाटा मोबाइल 206 के साथ साथ टाटा पिकअप, टाटा 207, टाटा TL और टाटा लोड बीटा इन नामों से भी जाना जाता था दोस्तों। और इस गाड़ी की असेंबली महाराष्ट्र के टाटा मोटर्स के पिंपरी चिंचवड़ यानी कि पुणे स्थित प्लांट, उसी के साथ साथ पेकान पहांग और मलेशिया में भी इसकी असेंबली हुआ करती थी। दोस्तों, टाटा मोबाइल 206 के X2 प्लेटफॉर्म पर आधारित 1951 यानी कि 1991 में टाटा मोटर्स ने टाटा इस्टेट, जो कि एक 5 डोर गाड़ी हुआ करती थी, और टाटा सियरा, जो कि एक 3 डोर ऑफ रोड SUV हुआ करती थी, इन दोनों गाड़ियों का अनावरण किया और ये गाड़ियां भी उस जमाने में काफी ज्यादा फेमस हुई, ये बात आप जानते ही होंगे। साथ ही में इसी X2 प्लेटफॉर्म पर आधारित टाटा मोटर्स ने सुमो, सफारी SUV और स्पेसियो, इन ताकतवर गाड़ियों को लॉन्च किया। अब टाटा सफारी और टाटा सुमो का भारतीय ऑटोमोबाइल सेगमेंट में योगदान जान ही सकते हैं दोस्तों, काफी फेमस ये गाड़ियां थी और आज भी ये गाड़ियां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी नाम कमाकर बैठे हुई है। आइए उस जमाने की टाटा टेल्को लाइन 206 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इंजन। इसमें 2.0 लीटर यानी कि 1948 cc का प्योजेट XD88 इंजन लगाया जाता था, जो कि टाटा मोटर्स द्वारा लाइसेंस के तहत इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता था। ये इंजन इस गाड़ी को 63 HP यानी कि 63 horsepower की ताकत प्रदान करता था। इसके बाद 1994 में टाटा मोटर्स का खुद का इंजन इसमें लगाया गया था, उसी के साथ साथ टर्बोचार्ज वर्जन भी इसमें ऐड किया गया था, जो इस गाड़ी को 92 HP यानी कि 92 horsepower प्रदान करता था, जो कि एक काफी ताकतवर फिगर है दोस्तों। 1990 के बाद टाटा मोटर्स ने अपनी टेल्को लाइन को साउथ अफ्रीका के साथ साथ इटली और यूरोप में भी बेचना शुरू कर दिया था। साउथ अफ्रीकन मार्केट्स में इस गाड़ी को टेल्को लाइन नाम से जाना जाता था और इटली में इस गाड़ी को टाटा पिकअप के नाम से जाना जाता था, जिसमें क्रू कैब और सिंगल कैबिन वेरिएंट आया करते थे। साथ ही में ओरिशियरी नामक एक इटालियन फर्म इस गाड़ी को ड्यूअल टोन पेंट, फ्रंट बुलबार, अलॉय व्हील्स, एयर कंडीशनिंग और उसके साथ साथ एक काफी लग्जरियस इंटीरियर के साथ साथ ओरिशियरी ट्रिम के नाम से भी बेचा करते थे। यूरोपियन मार्केट्स में इस गाड़ी में 2 इंजन आया करते थे। पहला 2.0 लीटर का प्योजेट का 63 HP डीजल इंजन, उसी के साथ साथ टाटा मोटर्स का 92 HP टर्बो डीजल इंजन भी इस गाड़ी में लगाया गया था, खासकर यूरोपियन मार्केट्स के लिए। इसके बाद साल 2000 में टाटा मोटर्स ने मलेशिया ट्रक एंड बस MTB के साथ साथ एक करार साइन किया गया था टेल्को लाइन को कंप्लीटली नॉकडाउन किट यानी कि CKD यूनिट के तहत पेकांग पहान प्लांट, जो कि मलेशिया स्थित एक प्लांट है, वहां पर लोकली असेंबल करके इसे उस मार्केट के लिए भी उतारा गया था। वहां पर इस गाड़ी के 4 व्हील ड्राइव डबल कैबिन वर्जन के साथ साथ सिंगल कैबिन वर्जन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों। आइए अब भारत में वापस आ जाते हैं। 2002 में इस गाड़ी को एक काफी बढ़िया फेसलिफ्ट दिया गया था, जिसमें आगे का बम्पर, पीछे का बम्पर, आगे का ग्रिल, हेडलाइट्स और नया टाटा का लोगो लगाया गया था। उसी के साथ साथ इसमें
3 लीटर का एक काफी पावरफुल इंजन लगाया गया था, जो कि टाटा मोटर्स का फेमस 4 SPCR इंजन, जो आप टाटा मोटर्स की 407 में भी देख सकते हैं। इस इंजन के साथ ये गाड़ी और ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी दोस्तों। इस नए इंजन के साथ इस गाड़ी का नाम भी चेंज कर दिया गया था और वो नाम है द लेजेंडरी टाटा मोटर्स 207 DI, जिसके आप लोग काफी ज्यादा बड़े चहेते हैं। टाटा 207 DI अपने आप में ही एक ब्रांड बन गया और ये गाड़ी भारत में काफी ज्यादा फेमस हुई दोस्तों। इसके बाद सितंबर 2003 में टाटा मोटर्स ने अपनी 207 DI को UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम में भी लॉन्च किया और साथ ही में 2.2 लीटर का डायकोर टर्बो डीजल कॉमन ड्रिल इंजन, जो कि यूरो 4 एमिशंस को पास करता था, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो 140 HP प्रदान करता था। साथ ही में भारतीय मार्केट में टाटा मोटर्स की 207 के दो मुख्य वेरिएंट्स अनाउंस किए गए, वो है टाटा मोटर्स की 207 RX और 207 EX। डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। RX वेरिएंट में आगे और पीछे दोनों एक्सल्स पर पट्टे कमाने वाला सस्पेंशन आया करता था और EX वेरिएंट में आगे वाले एक्सल पर इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन आता था और पीछे वाले एक्सल पर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया था, ताकि ग्राहक अपने एप्लीकेशन यूज केस के हिसाब से परफेक्ट गाड़ी चुन सके। ये काफी बढ़िया बात थी और ग्राहकों भी संतुष्टि होती थी कि वो उनके एप्लीकेशन के हिसाब से गाड़ी चुन पा रहे थे दोस्तों। साथ ही में इन दो नए अपडेटेड वेरिएंट्स का व्हीलबेस भी बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से इसकी लोड बॉडी पहले से लंबी हो गई थी और इसे कंप्लीटली फ्लैट बनाया गया था, जिसकी बदौलत सामान लादते वक्त और निकालते वक्त काफी आसानी हुआ करती थी दोस्तों। और इन दोनों ही वेरिएंट्स में टाटा मोटर्स का मशहूर 4 SPCR, जो इंजन 407 में भी इस्तेमाल किया जाता था, वो इसमें भी लगाया जाता था, जो कि काफी पावरफुल इंजन था दोस्तों। उसी के साथ साथ साल 2005 में टाटा मोटर्स द्वारा टेल्को लाइन के 4-व्हील ड्राइव वर्जन को भारत में लॉन्च किया गया। इंडिया में इस गाड़ी के 4-व्हील ड्राइव वर्जन को टाटा TL नाम से बेचा जाता था और उसी के साथ साथ रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट को 207 DI नाम से बेचा जाता था दोस्तों। 2006 में टाटा टेल्को लाइन के सेकेंड जनरेशन, जिसे हम प्यार से टाटा जेनॉन के नाम से भी जानते हैं, उसे लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाटा मोटर्स ने भारत में 2006 में 207 DI को बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। 207 DI को कब बंद कर दिया, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। टाटा जेनॉन के लॉन्च के बाद यूटिलिटी पिकअप सेगमेंट में एक नए वेरिएंट की एंट्री हुई। ये गाड़ी काफी ज्यादा स्टाइलिश थी। सिंगल कैबिन के साथ साथ ये गाड़ी डबल कैबिन वेरिएंट में भी आया करती थी और ये गाड़ी काफी ज्यादा स्टाइलिश बनाई गई थी दोस्तों। भारत के साथ साथ कई सारे एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये गाड़ी जाया करती थी और इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। कंफर्ट, सेफ्टी और स्टाइल, इन तीनों पैरामीटर्स को ये गाड़ी कंप्लीटली सेटिस्फाई करती थी दोस्तों। इस गाड़ी में ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, डाउनहिल स्पीड कंट्रोल जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए थे। बोलोगना मोटर शो, जो कि दिसंबर 2006 में कंडक्ट किया गया था, वहां इस गाड़ी को शोकेस किया गया था। साथ ही में मई 2007 से इस गाड़ी का प्रोडक्शन भारत के पुणे स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में शुरू हो गया था दोस्तों। इसके बाद इस गाड़ी का सेल्स भारत के साथ साथ यूरोप और साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ। टाटा जेनॉन का डबल कैबिन वेरिएंट तो भारत में काफी ज्यादा मशहूर हुआ दोस्तों, लेकिन सिंगल कैबिन वेरिएंट इतना ज्यादा चहेता नहीं बना, क्योंकि इसमें आगे के एक्सल पर कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन आया करता था, जिसे कई सारे कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर्स नापसंद करते थे। लेकिन कई सारे कस्टमर्स की बात सुनने के बाद टाटा मोटर्स ने अपने अपडेटेड योद्धा को लॉन्च किया, जिसमें आगे और पीछे मजबूत पट्टे कमाने वाला सस्पेंशन आता है दोस्तों। टाटा जेनॉन के भारतीय वर्जन में 2.2 लीटर के डीजल डायकोर इंजन का इस्तेमाल किया जाता था और 3.0 लीटर के डायकोर टर्बो डीजल इंजन का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो कि 2956 CC का था दोस्तों। साथ ही में एक्सपोर्ट मार्केट में डीजल के साथ साथ 2.1 लीटर के MPFI यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन पेट्रोल इंजन का भी इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों। BS4 नॉर्म्स लागू करने के बाद भी टाटा मोटर्स 207 को योद्धा के साथ पैरेलली बेचा करती थी। 207 में अब RX और EX ऐसे दो वेरिएंट्स आया करते थे। RX वर्जन में आपको आगे और पीछे पट्टे कमाने वाला सस्पेंशन मिल जाता था और EX वर्जन में आपको फ्रंट में इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिया जाता था, ताकि ग्राहक अपने हिसाब से परफेक्ट गाड़ी चुन सके। 207 का मेजर एप्लीकेशन भारत में टोइंग सेगमेंट में हुआ। आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी टोइंग वैंग्स जो है वो 207 का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि दोस्तों इसका इंजन इतना पावरफुल है कि ये काफी आसानी से ट्रैक्शन बनाकर इससे भी बड़ी गाड़ी को आसानी से
खींच सकती थी। इसीलिए टोइंग सेगमेंट जो है, जो कि टोइंग क्रेन्स का सेगमेंट होता है, वहां पर 207 काफी मशहूर हुई और आज भी सेकेंड हैंड मार्केट में 207 जो गाड़ी है वो टोइंग एप्लीकेशन में काफी ज्यादा पैसा देकर जाती है। दोस्तों BS4 नॉर्म्स के इरा में 207 RX और EX के साथ साथ टाटा मोटर्स अपनी ज़ेनॉन डबल कैबिन में बेचा करती थी। उसी के साथ साथ योद्धा सीरीज को भी लॉन्च कर दिया गया था, जो कि योद्धा 1200, योद्धा 1500, योद्धा 1700, योद्धा क्रू कैबिन 4x2, 4x4 और ज़ेनॉन जो कि डबल कैबिन में आया करती थी 2.2 लीटर के इंजन के साथ और 3.0 लीटर के इंजन के साथ, जिसमें भी 4x2 और 4x4 का ऑप्शन दिया जाता था। तो पिकअप्स का जो लाइनअप था BS4 एरा में वो काफी बढ़िया था, लेकिन BS6 नॉर्म्स के भारत में लागू होने के बाद टाटा मोटर्स ने अपने ज़ेनॉन डबल कैबिन पिकअप और 207 पिकअप रेंज को कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया और योद्धा पिकअप रेंज को BS6 कंपोनेंट इंजन यानी कि 2.2 लीटर के नए इंजन के साथ फिर से लॉन्च कर दिया गया, जिसमें योद्धा 1200, योद्धा 1500, योद्धा 1700 और हाल ही में लॉन्च हुई योद्धा 2 टन क्रू कैब 4x2, उसी के साथ साथ डबल कैबिन और सिंगल कैबिन EX वेरिएंट जिसमें इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन आता है और साथ ही साथ 4x4 वेरिएंट्स में सिंगल कैब और डबल कैब वेरिएंट्स लॉन्च किए और साथ ही में स्मार्ट पिकअप रेंज में टाटा मोटर्स की इंट्रा V10, V20, V30 और V50 भी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों 1988 में लॉन्च की गई टाटा मोटर्स की टेल्को लाइन आज भी हमारे सामने टाटा मोटर्स की योद्धा के रूप में खड़ी है। दोस्तों इतने सालों के बाद भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स इस गाड़ी में किए गए हैं। सेफ्टी में तो ये गाड़ी नंबर 1 है ही, उसी के साथ साथ लोड कैरिंग एबिलिटी, पावर और परफॉर्मेंस भी इस गाड़ी का काफी बढ़िया है। साथ ही में 2 टन के वेरिएंट के साथ भारत में पहली 2 टन की पिकअप टाटा योद्धा 2.0 के रूप से हमारे सामने आई थी, जिसके बारे में कई सारे वीडियोस हमने हमारे चैनल पर बनाकर डाले हैं। दोस्तों तो ये था 1988 से शुरू हुआ टाटा मोटर्स की पिकअप रेंज का अनोखा सफर। इस बात के लिए हमें काफी प्राउड फील करना चाहिए कि एक भारतीय ऑटोमेकर ने 207 यानी कि टेल्को लाइन जैसी गाड़ी को भारत के साथ साथ यूरोप, इटली, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया जैसे कई सारी कंट्रीज में लॉन्च किया। बचपन से टाटा मोटर्स की 207 पिकअप का मैं काफी बड़ा चाहता रहा हूँ। इसके BS4 वेरिएंट का एक कंप्लीट रिव्यू बनाकर मैंने मेरे चैनल पर डाला है, जिसकी वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगी। अगर आप भी 207 के पक्के फैन हो या फिर ये गाड़ी आपको पसंद है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि इस गाड़ी की काफी कम डिटेल्ड रिव्यू वीडियोस YouTube पर मौजूद है और वो वीडियो हमने काफी डिटेल में बनाया, तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दी गई है। और जी हाँ दोस्तों, ट्रक टॉक्स के अन्य पिक्टोरियल रिव्यू वीडियोज जैसे अगर आपको 207 का डिटेल्ड रिव्यू वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं ट्रक टॉक स्टाइल पिक्टोरियल वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए AAA डायकास्ट एंड व्लॉग्स, ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रक्स। जय हिंद।